36 जिल्हे 36 बातम्या न्यूज G9 महाराष्ट्र उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे। छत्रपती संभाजीनगर स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन 2 जुलै रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 3 वाजेच्या दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार आणि केरोसिन परवानाधारक महासंघ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या वतीने धरणे आंदोलन करून छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत प्रधान सचिव अन्न नागरी पुरवठा विभाग आणि ग्राहक संरक्षण विभाग मुंबई यांना निवेदन देण्यात आले। KYC चा मोबदला द्यावा, प्रलंबित ऑनलाईन कार्डची कामे तात्काळ करावी, केशरी कार्डधारकांना धान्याचा लाभ द्यावा यासह अन्य प्रलंबित मागण्या तात्काळ सोडवण्यात याव्या अशी मागणी करण्यात आली आहे। या आंदोलनामध्ये राज्य संघटनेचे अध्यक्ष श्री DN पाटील आणि खुलताबाद स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाचे अध्यक्ष श्री छबू काबळे, उपाध्यक्ष अनिल वेताळ, सचिव लोखंडे ढवळे वायकोस, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष अण्णासाहेब खोसरे, रवींद्र ढवळे, मुक्तार पटेल, प्रमुख मार्गदर्शक भीमराव जाधव, किशोर भाऊसार, दिगंबर काळे, मच्छिंद्र देवकर, अशोक महालकर, प्रभाकर काळे, जगदीश पवार, बाळू जाधव, पंडित नलावडे देवकर, मसईउद्दीन कमरोद्दीन सय्यद, अनवर अकबर, सतीश शर्मा उपस्थित होते। तसेच शासनाने या मागण्या पूर्ण न केल्यास स्वस्त धान्य दुकानदार 1 ऑगस्ट 2024 रोजी पासून संपावर जाणार असं निवेदन देखील देण्यात आले। राज्य सरकार के सामने जाकर मीटिंग ले रहे हैं। इसके 10 जनवरी 2024 को ये राज्य के जो माननीय अन्नवर नागरिक पुरवठा साहब के सामने हम 10 तारीख को बैठे थे। 10 वो मीटिंग के अंदर उन्होंने हमको ये बताया था कि भाई आपका जो 50 रुपये कमीशन थोड़ा बढ़ोतरी करने के लिए हम जरूर गवर्नमेंट से सिफारिश करेंगे, उन्होंने ऐसा वादा किया था। लेकिन आज तक उसके कमीशन बढ़ोतरी के बारे में हमारे को कुछ भी संदेश नहीं है, ना कोई कमीशन बढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि हमारा कमीशन बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जो शासकीय गोदाम से हमारे को जो गेहूँ चावल का जो पुरता नियंत्रण मंजूर होता है हर महीने को, वो 50 किलो की गोली के अंदर आता है। 50 किलो 850 ग्राम वो नेट वजन करके वो गोली का वजन आना चाहिए। लेकिन गोडाउन से जो सप्लाई होता है हर गोली के पीछे 2-2.5 किलो कम आता है, मतलब 1 क्विंटल के पीछे 4-5 किलो अनाज कम आता है। ये वजह से जो हमारे लिए इवन रजिस्टर के अंदर जो नोट है कार्ड धारक के लाभार्थी आप लोगों के, हम तुम्हारे को 100% माल नहीं देखते। हर दुकान के साथ दुकानदारों के पास मंथ एंड लास्ट के 10-15 हर कार्ड धारक को हम माल नहीं दे सकते, वो अनाज से वंचित रह जाते हैं अनाज की वजह से। फिर वो हमारे खिलाफ जो चौकसी लगाते हैं यानी तकरार करते हैं, क्या बराबर है उनको अनाज नहीं मिला तो तकरार से जरूर करेंगे। तकरार के बाद में जो इंक्वायरी होती चाहिए तो हमारे एक आने के गवर्नमेंट ने या प्रशासन अधिकारी ने पहले तो हमारे को सुन के लेना चाहिए कि भाई आपकी जो तकरार हमारे पास है तो हम बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे बोर्डर से हमारे भी चिंता अनाज कम आए हुए, तुम एक की तकरार देख रहे हैं, ऐसे और 9 लोग जो होते हैं वार्ड के अंदर है उनकी भी तकरार है, तो आपके सामने ही की चाहिए। तो हमारा कहना है कि हर बोर्डर से हमारे को अनाज एक के ही देना चाहिए, किसी के ही मिलना चाहिए। दूसरी बात, हम जो कोरोना काल से अभी तक जो हर महीने तो नेतन जो शासन के तरफ से लाभार्थियों को जो माल बांटक करते हैं उसका जो हमारा कमीशन हर महीने को 5 तारीख को देने के लिए वादा किया था, लेकिन जनवरी 2024 से आज तुम्हारा 17 महीना भी खत्म होगा, 6 महीने से हमारे छत्रपति संभाजीनगर के जिले के पैसे शासन के तरफ प्रशासन के तरफ हमारे पैसे थकने की वजह से ये जितने भी दुकानदारों के जगहों को किराया दे सक रहे नहीं है, लाइट बिल भाड़ा भरने में तो पैसे नहीं है। दूसरे सबसे पहले बात है 2024 का एजुकेशन शुरू हो गया, स्कूलों की फी भरने के लिए बच्चों के स्कूल के पैसे भरने के लिए दुकानदार का पैसे नहीं, यानी ये हालात में हम दुकानदार गुजर रहे हैं। तो हमारा कहना है शासन से जो KYC कर रहे हैं, जो बाहर नेट के ऊपर जो तुम काम कर रहे हो 150 रुपये तुम लोग देते हैं, आप ही देते, आप जरा सोचो तुम खुद देते हैं। आज हम पत्रकार बोल के तुम आए, तुम्हारा स्वागत है हमारी तरफ से, लेकिन KYC जब बाहर के लिए 150 रुपये करते हैं, अरे हम तुम्हारा वही काम 50 रुपये करना चाहिए, फिर भी गवर्नमेंट हमारे से काम कर सकते हैं, क्यों नहीं करती भाई? तुम्हारे को जो कर रहे करो, लेकिन हम तुम्हारा काम आसानी से परफेक्ट करने के लिए तैयार हैं। हम 50 रुपये
रात को मंजूर करो, छुट्टे पर काम करेंगे हम लोग। तो आज अगर ये गवर्नमेंट ने अगर हमारे निवेदन के ऊपर विचार नहीं किया, आने वाले 8 तारीख को मुंबई के अंदर हम लोग आजाद मैदान के ऊपर धरने आंदोलन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ आजाद मैदान के आंदोलन करने वाले हैं। धन्यवाद। निवेदन न्यूज 9 महाराष्ट्र साठी प्रतिनिधि समीर शाह, छत्रपति संभाजीनगर।